नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जो ये पौधे देख रहे हैं, इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, इसके फल को देख लीजिए और इसके पत्ते को देख लीजिए। दोस्तों, अच्छी तरह से देख लीजिए, आप इसे जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे। और दोस्तों, देख लीजिए अच्छी तरह से, यह किसका पौधा है और किस प्रकार की प्रजाति का है। ये दोस्तों हमारे यहाँ इसे बेर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे यहाँ इसे बेर के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही बीमारियों में प्रयोग किया जाता है और हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इसका रोगों में लड़ने की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन तो एक खुशी मिलती है दोस्तों कि आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके फल दोस्तों कुछ गोल गोल होते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, गोल गोल होते हैं। इसके पत्ते छोटे छोटे हरे भरे दिखाई देते हैं हमेशा। दोस्तों, इसके जो फल हैं वो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, मीठे मीठा भी लगता है और खट्टा थोड़ा लगता है, जो बच्चे बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। दोस्तों, आप देख लीजिए इसके फल को, बहुत ही अच्छा गोल गोल सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसके पत्ते के जो फायदे हैं, बहुत ही अद्भुत फायदे हैं। अगर दोस्तों आपको गैस की समस्या है, दांत खाज खुजली की समस्या है और दोस्तों आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो भी इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। अगर दोस्तों आपको गैस की समस्या है तो दोस्तों इसके फल तो वो हमेशा नहीं मिलते हैं और ये कभी कभी मिलते हैं, लेकिन तो इसके जो पत्ते हैं दोस्तों वो हमेशा मिलते हैं। इसके जो फल हैं वो कभी कभी मिलते हैं, लेकिन तो पत्ते हमेशा मिलते हैं, हरे भरे रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसके पत्ते को चार पत्ते लेकर आएँ और दोस्तों आप इसको आंवले के साथ पीस लें। पीसने के बाद दोस्तों इसमें काला नमक मिलाकर आप इसे दो या तीन टाइम तक खाएंगे और इसको जो रस होता है उसको पीएंगे तो आपके जो गैस की समस्या है, कब्ज की समस्या है, वो दोस्तों ठीक कर देता है। दोस्तों, जो कब्ज की समस्या होती है वो बीमारी एक ही होती है, लेकिन दोस्तों सही नहीं होने के कारण वो हमें बहुत ही अनेक प्रकार से बीमारियों से ग्रसित कर देती है। तो दोस्तों, पेट अगर खराब रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो बहुत ही बीमारियां उत्पन्न होगी हमारे शरीर में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपको ये जो बेर देख रहे हैं इसका प्रयोग कीजिए और दोस्तों आपको गैस की समस्या से छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों, आप जो इसके फल देख रहे हैं, इसके फल का भी बहुत ही अद्भुत फायदा है। अगर दोस्तों आपके घर के आसपास ये दिखाई देने वाला एक कटीली होता है, कांटा इसमें होता है इसके तने में, और देख खाने में और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसके फल को देख लीजिए एक बार और, बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसके जो बीज के अंदर होता है, इसके बीज के भी फायदे बहुत हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर घर के जो महिला होती हैं तो उनका बाल अगर झड़ रहा है, सफ़ेद हो रहा है, तो उनका प्रयोग ये कर सकती हैं। तो दोस्तों, इसके जो घर पर जो महिलाएं होती हैं, जो मसाला पीसती हैं, पत्थर का बना होता है, हमारे यहाँ तो दोस्तों उसे सील के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जानते होंगे आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, उसको लेकर आएँ और घर पर इसको उस पत्थर की सील पर इसे पीस लें। पीसने के बाद दोस्तों उसमें एक ध्यान दें कि उस पर मिर्च न लगी हो, नहीं तो दोस्तों सिर पर लगाने के बाद ये सिर को दोस्तों जैसे जलन पैदा करता है और मत उसको अच्छी तरह से साफ कर कर पीस लें। पीसने के बाद दोस्तों आप इसे अपने बालों पर लगाएं और दोस्तों बालों पर लगाने से दो तीन दिन तक आप बाल पर लगाएं लगातार। उसके बाद आपको हफ्ते में दो या बार लगाना है इसको सिर पर, और लगाने के बाद दोस्तों आपको दिखेगा कि आपके जो काले बाल हैं वो दोस्तों बहुत ही चमकदार हो जाएंगे और जो आपको जो सफ़ेद बाल हो रहे थे वो तुरंत दोस्तों एक हफ्ते के अंदर आपके जो काले वो सफ़ेद बाल हैं वो दोस्तों काले हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको दांत खाज खुजली की समस्या है तो दोस्तों इसके पत्ते को पीस लें और पीसने के बाद दोस्तों आपको जिस स्थान पर दांत खाज खुजली की समस्या है आप वहां पर इसके
लिप लगाएं और आपको दोस्तों दांत खाज खुजली की समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप इसके फल को देख लीजिए, हमारे यहाँ बेर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हमारी वीडियो का मकसद यही होता है कि कोई भी जानकारी हो हमें आपको अवगत कराना है और उससे जो बीमारी ठीक होती है उसकी जानकारी संपूर्ण देना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन दोस्तों बहुत ही जानकारीपूर्ण होगी। वीडियो दोस्तों पूरा नहीं देखने के कारण मुझे कोई भी जानकारी पूरा नहीं होती है। और दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी जानकारी अगर अधूरी होती है तो अच्छी जानकारी नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और आप इसके फल को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है फल। और दोस्तों बच्चे इसे बहुत ही चॉइस खाते हैं और इसमें दोस्तों विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम भी मिलता है जो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को दोस्तों संपूर्ण बनाता है, जिससे हमारी बीमारियों नहीं होती है शरीर में और हमारा शरीर चमकदार और स्वस्थ हमेशा रहता है। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।